सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ए सी सी प्रेपरेशन चैनल में। सो आज हम करने वाले हैं ए सी सी 120 फरवरी 2019 का करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं 1 से 150 क्वेश्चन आंसर सभी को हम इसमें कवर कर लेंगे। और वीडियो के बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन को लेके तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो उसका एक दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू स्टार्ट ट्रेड विद इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोर्टुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द इवेंट्स टुक प्लेस इमिडिएटली बिफोर द मसैक्र ऑफ जलियांवाला बाग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैसेज ऑफ रोवलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRI डे इज मार्क्ड ऑन। इसका करेक्ट आंसर है जनवरी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है सुब्रमण्यम जयशंकर, जो करंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो है सुब्रमण्यम जयशंकर। जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है तो इसमें ऑप्शन भी पुराने होंगे, उस टाइम थी सुषमा स्वराज। तो सुब्रमण्यम जयशंकर ने 30 मई 2019 को बीजेपी की सुषमा स्वराज की जगह ली थी। तो इस क्वेश्चन का करंटली करंट अफेयर्स के तौर पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम जयशंकर, इज द करंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज अ टोटल ऑफ 9 यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन है, इंडिया हैज अ टोटल ऑफ डैश यूनियन टेरिटरीज। इसका करेक्ट आंसर है 8 यूनियन टेरिटरीज, बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास 6वां क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट चीफ विजिलेंस कमिश्नर है हमारे सुरेश एन पटेल। और जो फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे वो थे नितूर श्रीनिवासा। ठीक है, नितूर राव श्रीनिवासा थे पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर 2019 का है, तो 2019 में थे चीफ विजिलेंस कमिश्नर शरद कुमार, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारे इस टाइम है वो है सुरेश एन पटेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द मेक माई इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 25 सितंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी बैंक अकाउंट्स अप्रोक्सीमेटली हैव बीन ओपन अंडर द PM जन धन योजना कॉम्पेन। तो इसका करेक्ट आंसर है मोर देन 41 करोड़, यानी कि 41.75 करोड़ टिल नाउ। ठीक है, 2019 में थे 30 करोड़ तक, लेकिन अब 2022 तक बात करें तो 41.75 करोड़ जो बैंक अकाउंट खुल चुके हैं, ठीक है, PM जन धन योजना कंपेरिजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हु इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजीव कुमार, सी इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, नीति आयोग के PM नरेंद्र मोदी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो किस लिए लॉन्च की गई थी, ये लॉन्च की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा कॉल्ड एज। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट एटम बम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन विच सिटी। इसका करेक्ट आंसर है हिरोशिमा, डी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अडोल्फ हिटलर इज नेम्ड। इसका करेक्ट आंसर है मीन कंप, ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टेट ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाई विच कंट्री। इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। सी इज द, माफ कीजिए, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी। इसका करेक्ट आंसर है चाइना। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच कंट्री डिड द एजटेक सिविलाइजेशन ओरिजिनेट। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मैक्सिको। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज द प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। माफ कीजिए, क्वेश्चन गलत बोल दिया मैं। क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। तो 2019 में थे बेंजामिन नतन्याहू, ठीक है। इस टाइम कौन है? इस टाइम है नफ्ताली बेनेट। इस टाइम है नफ्ताली बेनेट। 2019 में थे बेंजामिन नतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। इसका करेक्ट आंसर है नीदरलैंड में हेग्यूट में, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन, रिसर्चर ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड वेब बेस्ड टूल टू मॉनिटर फेक न्यूज ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएस, यूनाइटेड स्टेट। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है, द आइलैंड डाइगो गार्सिया विच हैज एन यूएस नावल बेस इज लोकेटेड इन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओकेन, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर पे, व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए इन ईयर्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ईयर्स, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 साल टेन्यूर होता है प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए का। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और आपको पता है जो लोकसभा के मेंबर हैं वो कौन इलेक्ट करता है? वो करते हैं पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के लोग करते हैं लोकसभा के मेंबर को इलेक्टेड। अब आगे है नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये ऑप्शन भी हमारे पास आएगी। एक ऑप्शन में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट। तो मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन इलेक्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट के मेंबर इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है कौन से आर्टिकल के अंडर करता है? ये करता है 124 आर्टिकल में जो क्लोज दिया हुआ है 2, उसमें लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। और ये 12 मेंबर इलेक्ट करता है राज्यसभा में। प्रेसिडेंट 12 मेंबर करता है राज्यसभा में इलेक्ट करता है, 6 साल का टेन्यूर होता है। और लोकसभा में 2 मेंबर ऐड करता है जो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो 2 मेंबर होते हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन है हमारे पास, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अदर ऑप्शन में दिया हुआ लोकसभा, तो लोकसभा के स्पीकर कौन है? लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी। और नेक्स्ट दिया हुआ सी ऑप्शन प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या करता है? विच फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5-year plan, जो 5-year plan के अधीन काम करता है वो है प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जहाँ इसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, फॉर डिसीजन क्रिएटिंग एंड डिलाइब्रेशन ऑन डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकायुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका करेक्ट आंसर है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच इज अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ए इज द करेक्ट आंसर। 26th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है इंडिया का, उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, 76 के पार्ट वन में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, हु इज़ द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन है इस टाइम, के वेणुगोपाल, जो कि 15th और करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। एंड कौन अपॉइंट करता है इन्हें, इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, रामनाथ कोविंद ने अपॉइंट किया था इन्हें 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू प्राइवेसी। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल कौन कौन सा है, आर्टिकल 12, ठीक है, आर्टिकल 12। लेकिन ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, ऑप्शन में आर्टिकल 21 लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 12 आएगा राइट टू प्राइवेसी। अब दूसरी डिस्कस करते हैं, आर्टिकल 14 हमें क्या बताता है। आर्टिकल 14 है राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स टू क्वालिटी एडुकेशन एट ऑल लेवल्स। 32 आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। और जो 18 नंबर आर्टिकल है वो है अबोलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। कौन से नंबर पे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो है 16वें, माफ कीजिए, जो श्री नरेंद्र मोदी हैं वो है 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर। पहले नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और जो फर्स्ट लेडी थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंडिया की, वो थी इंदिरा गांधी जी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे, हाउ मैनी सेशंस ऑफ पार्लियामेंट गेट कन्वेड ड्यूरिंग अ ईयर। इसका करेक्ट आंसर है 3 सेशन, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, बी इज द करेक्ट आंसर। 32 क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वी कुरियन। थर्ड 33 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है नबार्ड, नबार्ड डी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। सेबी स्टैंड्स फॉर, इसका करेक्ट आंसर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, कोफ पोसा। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट डिफेंस बजट इन द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले नंबर पे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पे है चाइना, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री, चाइना, और तीसरे नंबर पे है हमारी इंडिया, और जो यूके है यह है चौथे नंबर पे। बता देता हूँ कितने कितने, जो यूएसए है, यूएसए का बजट है डिफेंस में 778 बिलियन डॉलर, ठीक है, और यूएसए का है, माफ कीजिए, यूएसए का मैंने बता दिया, चाइना का है 193 बिलियन डॉलर, 193.3, और इंडिया का है 64.1। उसके बाद आता है यूके, यूके का है 61.5 बिलियन डॉलर, जो उनका डिफेंस में जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड एट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रसल्स, बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया 38 नंबर क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्लान्स टू कवर 50 करोड़ बेनिफिशरीज विद द डिफाइंड बेनिफिट कवर ऑफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5 लैक्स। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, विच कंट्री प्रेजेंटली इज द लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर फॉर इंडिया, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन रशिया। 40 नंबर क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड एट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन, ओजोन इज अ वेरी रिएक्टिव डैश ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन इज अ वेरी रिएक्टिव एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन पे, विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर, तो लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, सबसे लोएस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर जो अर्थ के पास है सबसे, ठीक है, एटमोसफेयर के। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद है दोस्तों मीजोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, और उसके बाद सबसे दूर है जो वो है एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर है इमेज में या फोटो में आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली, ठीक है, 5 लेयर हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, इसका करेक्ट आंसर है रेडोन, इसका करेक्ट आंसर है रेडोन। ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, तो रेडोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86। ये 6वें पीरियड का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, और रेडियो एक्टिव है, ऑडरलेस है एंड टेस्टलेस एलिमेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डस्ट गेट्स इनटू द आई द पार्ट दैट बिकम्स इनफ्लेम्ड एंड पिंक इज द, करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन कंजक्टिवा। 45 नंबर क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट ए स्पाइनलेस क्रिएचर इन द वर्ल्ड इज, इसका करेक्ट आंसर है क्लोजल सॉकेट, डी इज द करेक्ट आंसर। आ गया हमारे पास द कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग, उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोक्वीन, ए इज द करेक्ट आंसर। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, इसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लर्निंग, बी इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो रेफर्स टू, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 49 नंबर क्वेश्चन, फ्यूजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन विच डील्स विद, इसका करेक्ट आंसर है कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियाई टू फॉर्म बिगर एंड हैवियर न्यूक्लियस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय मोटोरिस्ट टू सी द रोड बिहाइंड देम, इसका करेक्ट आंसर है कन्वेक्स मिरर, ए इज द करेक्ट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 18th एशियन गेम्स हेल्ड इन 2018, इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया, जो 2018 में गेम हुई थी एशियन गेम्स, इंडोनेशिया ने होस्टेड की थी। अब जो वो थी 18, अब 19th एशियन गेम्स कहाँ होगी? वो होगी चाइना में, कहाँ होगी? चाइना में, चाइना होंगजू में, 10 सितंबर से लेके 25 सितंबर 2022 को होंगी ये गेम्स, एशियन गेम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 52, दिस गर्ल फ्रॉम असम डिड इंडिया प्राउड इन द एथलेटिक्स 400 मीटर रेस, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हिमा दास, बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया हमारे पास 53 नंबर क्वेश्चन, विच टीम वॉन द 2018 एडिशन ऑफ द आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट, इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है, 2018 में जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब 2019 की बात करें तो 2019 में जीता था
मुंबई इंडियंस ने, ठीक है, मुंबई इंडियंस ने 2020 की बात करनी बनती है, 2020 में जीता था मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। फिर से मुंबई इंडियंस बाजी मार गई थी 2 साल लगातार। अब 2021 में जीता था, पिछला साल था जो जब आईपीएल हुआ था, 2021 में जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने, ठीक है। 2019 को चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता और 2021 को चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2021 में भी आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था। आ गया 54 नंबर क्वेश्चन। द ओवल स्टेडियम इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट, इज द करेक्ट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन। विच सिटी इन चाइना विल होस्ट द 2022 एशियन गेम्स? पहले पिछले क्वेश्चन में बात की कहाँ होगी 19th एशियन गेम्स, वो होंगी चाइना होंगजो में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल मेडल टैली ऑफ इंडिया इन द एशियन गेम्स ऑफ 2018 वाज, तो 18th एशियन गेम्स हुई थी, कितने मेडल टैली इंडिया के पास आए थे तब? वो आए थे 69, ठीक है, जिसमें 15 गोल्ड के थे, 24 थे सिल्वर के और 30 थे ब्रोंज के, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 57 नंबर क्वेश्चन। गोल्ड मेडल फॉर जेवलिन इन एशियन गेम्स 2018 वाज वोन बाय? इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, नीरज चोपड़ा, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। 58 नंबर क्वेश्चन। 2018 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड एट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट, इज द करेक्ट आंसर। आ गया हमारे पास 59 नंबर क्वेश्चन। विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2018? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया, बी इज द करेक्ट आंसर। 2022 का कतर, ठीक है, 2022 में जो होगा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 वो होगा कतर में, ठीक है, कहाँ होगा? कतर में। नेक्स्ट हमारे पास हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज रिसेंटली ऑफिशियली इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन हॉल ऑफ फ्लेम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट कोहली, माफ कीजिए, राहुल द्राविड। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज रिसेंटली ऑफिशियली इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन हॉल ऑफ फ्लेम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल द्राविड। और जो रिसेंटली हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर जी, ठीक है। अब जो न्यूवेस्ट हैं इंडक्टर जिनको रिसेंटली मिला है हॉल ऑफ फ्लेम, वो हैं इंग्लैंड के जैनेट ब्रिटो। तो जिन्हें रिसेंटली इंडक्ट हुए हैं हॉल ऑफ फ्लेम के तौर पे, वो हैं इंग्लैंड के प्लेयर जैनेट ब्रिटिन, ठीक है, जैनेट ब्रिटिन, और उनके साथ एक और हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर शोन पोलोक, और फिर एक है श्रीलंका के प्लेयर महिला जयवर्धने। तीन प्लेयर हैं, जेंटे ब्रिटन, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं शोन पोलोक, और तीसरे हैं महिला जयवर्धने, ठीक है, तीन प्लेयर हैं जिनको रिसेंटली मिला है। आगे हमारे पास जो संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। असम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? बहुत फेमस फेस्टिवल है बिहू, बिहू मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए फायर टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोरोएस्ट्रियंस, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 63 नंबर क्वेश्चन। हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ आनंद मैथ? इसका करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 64 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्टर वॉज अवार्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस लीजन डी होनर इन जनवरी 2018? इसका करेक्ट आंसर है सुमित्र चटर्जी, 2018 में उन्हें मिला था ये ना जे अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हु वॉज अवार्डेड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2017 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड्स लिटरेचर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा
कृष्णा सोबती, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे 53rd रेस्पिरेंट, ठीक है, जनरल प्रीति वार्ड के 2017। 54 थे अमिताभ घोष, अमिताभ घोष ने लिया था 54 नंबर पे जनरल प्रीति वार्ड फॉर लिटरेचर। और जो 56th वार्ड था वो था, वो किन को गया था, वो गया था नीलमन फूकन JR को। फिफ्टी सेवन्थ वार था वो गया था दमोदर मौजू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 66th क्वेश्चन। हु इज द आर्टिस्ट हु पेंटेड द फेमस मोनालिसा, इसका करेक्ट आंसर है लियोनार्डो डा विंची। डी माफ कीजिए, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। गुंडेचा ब्रदर्स आर वेल नोन एक्सपोनेंट्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रुपद। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास भरतनाट्यम इज द डांस फॉर्म पॉपुलरली प्रैक्टिस्ड इन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तमिलनाडु। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 69 नंबर क्वेश्चन। विच इज द इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ अवार्ड। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बुकर प्राइज है ये भी लिटरेरी अवार्ड है। ये पहली बार कब दिया गया था? 1969 को दिया गया था, ठीक है। बुकर प्राइज सबसे पहले दिया गया था 1969 में, शुरू हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन। बिहू, पहले बात की थी बिहू कहाँ का है, असम का फेस्टिवल है। अब नेक्स्ट हमारे पास 71 क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी डे जो 2018 है उसका थीम क्या था, कब मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे? 15 जनवरी को, ठीक है। उसका थीम था एयर ऑफ डिसेबल्ड सोल्जर इन लाइन ऑफ ड्यूटी। कैसे ऑब्जर्व किया था? 2018 एयर ऑफ डिसेबल्ड सोल्जर्स इन लाइन ऑफ ड्यूटी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 72। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दानुश। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ए ऑप्शन में दिया हुआ जगत फोस्ट क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंटल एयरबोर्न एंटी बॉम्बर रिकॉइल्स राइफल है। अब मिनीमन क्या है? मिनीमन है सिंगल शॉट 74 mm अनगाइडेड एंटी टैंक स्मूथ बोर रिकॉइल्स वेपन है, ठीक है, रिकॉइल्स वेपन। अब जो सी ऑप्शन में दिया हुआ कैजर क्या है? 155 mm 52 कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, ठीक है, सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। अब नेक्स्ट हमारे पास दानुश है फर्स्ट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन। और जो कैजर है ये है एक ट्रक माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम। कैजर क्या है? क्वेश्चन आ सकता है आपको कौन सा आर्टिलरी सिस्टम है जो ट्रक माउंटेड है, तो वो है कैजर, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास 73 क्वेश्चन। इन मई 2018 एन आर वुमेन क्रू ऑफ इंडियन नेवी सक्सेसफुली कंप्लीटेड सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब इन विच क्राफ्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों INS तारिणी, INSV। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 74 नंबर क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट इंडियन सर्विंग जनरल हु कंप्लीटेड द आयरन मैन कॉम्पिटिशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम डोगरा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 75। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मड फोर्स ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट आंसर है प्रेजिडेंट है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मड फोर्स इन इंडिया।
नेक्स्ट हमारे पास 76 क्वेश्चन, द नेम ऑफ द इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन में दिया हुआ INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य है ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर एंड फ्लैगशिप ऑफ इंडियन नेवी। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं INS विराट। INS विराट है सेंचुर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन नेवी। तो INS विक्रांत तो हमने पढ़ लिया पहले, अब है INS आर्यहंत, डी ऑप्शन में दिया हुआ। ये क्या है, लीडरशिप ऑफ इंडियंस अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक मिसाइल सबमराइन। नेक्स्ट चलते हैं 77 क्वेश्चन पे, न्यूक्लियर कैपेबल ICBM बिल्ट बाय इंडिया इज कंटेन्ड इन द डैश मिसाइल सीरीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 79, द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग द एयरफोर्स कमांड इज डिजाइनेटेड एज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, AOC इन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 80 क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ऑपरेशनल कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज ऑलमोस्ट द सेम मास साइज एंड डेंसिटी एज ऑफ द अर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीनस, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 82 क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ वाज टू स्टॉप इट्स रोटरी मोशन ऑन इट्स एक्सिस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, देयर विल नो डे एंड नो नाइट एज एट प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 83 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू रिसीव सन स्पॉट्स, माफ कीजिए, हु वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व सन स्पॉट्स, इसका करेक्ट आंसर है थॉमस हैरियट थे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं होगा, तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गैलीलियो एंड जर्मन लेसमीटर। ठीक है, लेकिन जो पहले थे, सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने टेलीस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व किया था सन स्पॉट्स को, कब किया था, 1610 को। ठीक है, थॉमस हैरियट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट स्टार इन अवर गैलेक्सी, इसका करेक्ट आंसर है, देखिए तो जो बिगेस्ट स्टार इन अवर गैलेक्सी है वो है इस टाइम क्या उन है, UY स्कूटी। ये क्या, इसका साइज क्या है, 1700 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, 1700 टाइम ये अर्थ से बड़ा है। ठीक है, ये जो हमारा स्टार है सबसे बड़ा। नेक्स्ट हमारे पास 85, ऑप्शन में दिया हुआ है VY कैनिस मजोरिस, तो ऑप्शन में दिया हुआ VY कैनिस मजोरिस, तो ये लेस देन 10 मिलियन ईयर ओल्डर है। ठीक है, आज के समय से, लेकिन जो बिगेस्ट स्टार है हमारे गैलेक्सी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको बता दिया है कौन सा है, वो है UY स्कूटी, जो 1700 टाइम लार्जर है सन से, मैंने अर्थ से बोल दिया, 1700 टाइम लार्जर देन सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 86, हाउ मच टाइम डू सन रेस टेक टू रीच अर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ 8 मिनट, तो हम 8 मिनट को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 87 नंबर क्वेश्चन, विच प्लैनेट इन सोलर सिस्टम हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैटर्न,
सैटर्न के पास कितने सैटेलाइट हैं? 82। और दोस्तों आपको पता है जुपिटर के पास कितने सैटेलाइट हैं? जुपिटर के पास हैं 79 सैटेलाइट्स। और जो नेपच्यून है, सी ऑप्शन में दिया हुआ नेपच्यून, नेपच्यून के पास हैं 14 सैटेलाइट्स। और जो मार्स है, मार्स के पास केवल 2 सैटेलाइट्स हैं। और हमारे प्लेनेट में ऐसे भी दो सोलर सिस्टम में ऐसे भी दो प्लेनेट हैं, मरकुरी एंड वीनस, जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। मरकुरी और वीनस, ठीक है, ये दोनों हैं हमारे प्लेनेट में सैटेलाइट्स, इनके पास एक भी नहीं है। ठीक है, ये दो प्लेनेट हैं मरकुरी एंड वीनस। आप क्वेश्चन भी आ सकता है कौन से प्लेनेट हैं जिनके पास कोई भी सैटेलाइट मौजूद नहीं है, तो वो है मरकुरी एंड वीनस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 88 नंबर। व्हेन वाज द प्लूटो रिक्लासिफाइड फ्रॉम अ प्लेनेट टू ड्राफ्ट प्लेनेट, टू ड्राफ्ट प्लेनेट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया हमारे पास 89 नंबर क्वेश्चन। व्हेन विल द हैलेस कॉमेट बी विजिबल फ्रॉम अर्थ अगेन? तो इसका करेक्ट आंसर है 2061। ठीक है, इससे पहले कब विजिबल हुआ था? वो हुआ था 1986 में। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस? इसका करेक्ट आंसर है मेजर यूरी गगरिन। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 91। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस फॉर्म्स ऑफ वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स? तो नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स कौन सी वाटर रेंजेस चेंज करती हैं? वो करती है सातपुरा। नर्मदा और ताप्ती को कौन सी चेंज करती हैं? सातपुरा। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सातपुरा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब जो अरावली रेंजेस हैं, अरावली रेंजेस हैं, अरावली वाटर रेंजेस कौन सी नदी को चेंज करती हैं? ये चेंज करती हैं नर्मदा और गंगा, दोनों को आपस में डिवाइड करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास विंध्या रेंज। विंध्या रेंज है जो ये डिवाइड करती हैं गंगा ड्रेनेज रे बासिन को और नर्मदा को। ठीक है, गैंग्स ड्रेनेज बासिन को और नर्मदा को। अब नेक्स्ट हमारे पास 92 नंबर क्वेश्चन। द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द एंड्स। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। डायमंड माइंस इन इंडिया आर फाउंड इन विच स्टेट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास 94 नंबर क्वेश्चन। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ राइस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल। क्या है करेक्ट आंसर इसका? वेस्ट बंगाल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 95 नंबर क्वेश्चन। विच ओकेन सेपरेट्स द अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पैसिफिक ओकेन। ठीक है, पैसिफिक ओकेन है जो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 96 नंबर क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, है गुजरात। अगला क्वेश्चन हमारे पास 97। द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से लार्जेस्ट रिवर है जो वर्ल्ड में, वो है सी ऑप्शन, एमेजॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम 98 नंबर क्वेश्चन पे। विच अमंग द बिलो आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज? इनमें जो नीचे दी गई हैं उनमें से कौन सी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरावली। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 95। लेकिन जो इस टाइम एक अरावली भी है और एक है बार्बर टाउन ग्रीन स्टोन बेल्ट, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, बार्बर टाउन ग्रीन स्टोन बेल्ट।
क्या है? बार्बर टाउन ग्रीनस्टोन बेल्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास 99 नंबर क्वेश्चन, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, कन्याकुमारी इज, इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास 100 नंबर क्वेश्चन, द यारलुंग तसांगपो रिवर इन इंडिया इज नोन एज, तो ये नाम है किसे बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। तो ये रिवर है यारलुंग त्सांगपो रिवर, इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन, ग्रेव्स डिसीजेज इज द इलनेस ऑफ द, इसका करेक्ट आंसर है थायरॉयड ग्लैंड्स, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन, फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज लाइकली टू गेट कॉन्टामिनेटेड विद, इसका करेक्ट आंसर है लेड, ठीक है, बी ऑप्शन लेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 103 नंबर क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेड्स टू डेंटल कैरीज, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। और अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो उससे हमें क्या डिसीज होती है? विदाउट आयरन बॉडी कांट प्रोड्यूस इनफ इन सब्सटेंस इन रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल में जो बॉडी है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो सब्सटेंस होती है, ठीक है, अगर हमारे शरीर में लोहे की कमी आ जाती है तो। और दूसरी बात, अगर जिंक की कमी आ जाती है तो, जिंक के क्या क्या नुकसान है अगर कमी आती है तो? एक होता है विल्सन डिसीज, एक होता है सिकल सेल डिसीज, या फिर क्रोनिक किडनी डिसीज हो जाता है, या फिर क्रोनिक लीवर डिसीज हो जाता है जिंक की कमी से। अगर कॉपर की कमी आ जाती है तो, कॉपर की कमी आ जाती है तो बहुत सारे दुख आ जाते हैं। देखिए कनेक्टिव टिश्यू से दुख आ जाते हैं, मसल्स वीकनेस आ जाती है, अनीमिया भी हो सकता है, लो वाइट ब्लड सेल्स काउंट हो जाते हैं, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या फिर पेलनेस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 104 नंबर क्वेश्चन पे, BCG वैक्सीनेशन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम, इसका करेक्ट आंसर है ट्यूबरकुलोसिस, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, तो कुछ ना कुछ समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 105 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिसीज, इसका करेक्ट आंसर है मिजल्स, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे और क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पेपर है मेरे पास इंग्लिश 2019-19-18 जो हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, और इसी महीने में सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 106 नंबर क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों 107 नंबर, द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द स्किन इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलनिन, बी इसका करेक्ट आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। थोड़ा सा जल्दबाजी में इसमें करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है, इसीलिए वीडियो में उतना ही चाहिए जितना कि आपको समझा सके, एकदम कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल इलुस्ट्रेट हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनकोलॉजी, ऑनकोलॉजी डील्स विद, इसका करेक्ट आंसर है प्रिवेंशन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास 110 क्वेश्चन, द ब्लड ग्रुप विच इज नोन एज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसका करेक्ट आंसर है ए बी प्लस, और यूनिवर्सल डोनर किसे बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सफदरजंग तोंबवास बुल्टबाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुजाउद्दौला, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुजाउद्दौला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैंसर
कैबुल लमजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर, डी इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास 113 क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 45th G7 समिट इन 2019। तो जो 45वां G7 समिट हुआ था 2019 में, वो हुआ था फ्रांस में, ठीक है। अब जो 46th हुआ था वो कहाँ हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। और जो 47th हुआ था, 47th हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था दोस्तों, इंग्लैंड में G7 47th समिट हुआ था 2021 इंग्लैंड में, और 2020 हुआ था USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन, द डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ HRD मिनिस्ट्री नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर, ए इसका करेक्ट आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द मदम तसोद वैक्स म्यूजियम ओपन्ड इन इंडिया इन 2017। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों 116 नंबर क्वेश्चन, द नेम ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया लोकेटेड इन BARC वाज नेम्ड एस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्सरा। और जो BARC लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म ऑफ BARC। नेक्स्ट हमारे पास इसरो, इसरो हैज़ प्लान्स टू लॉन्च गगनयान फ्लाइट बाय। इसका करेक्ट आंसर है 2022, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 118 नंबर क्वेश्चन, द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स इज लोकेटेड एट। जो 5 कंट्री हैं ब्रिक्स, ठीक है, उनका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो लोकेटेड कहाँ है, वो है शंघाई में, बी। 119 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वन ऑफ द नोबल पीस प्राइज विनर्स फॉर द ईयर 2018 में किन्हें मिला था, डेनिस मुकवेगा को, ठीक है, डेनिस मुकवेगा को। और जो नोबल प्राइज है सबसे पहले अवार्ड किया था 1901 में, ठीक है, 1901 में शुरू हुआ था। अब जो 2021 निकल चुका है उसमें नोबल प्राइज कौन ले गए हैं, चलिए बताते हैं आपको। और 2021 में मिला है, वो मिला है मैरिया रेसा को और दमित्री मुरातोव को, ठीक है, इन दोनों को मिला। अब नेक्स्ट है हमारे पास 120 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी सिटीज हैव ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड बाय द 2018 अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99, ठीक है। पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है, वो है दिल्ली। अब 121 नंबर, हु इन्वेंटेड द एक्सरे। एक्सरे किसने इन्वेंट की थी, किसने खोज की थी, वो थे WK रोइंटजन। एक क्वेश्चन और बनता, बीटा रे की इन्वेंशन किसने की थी, वो की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1889 में, ठीक है, बीटा रेस की। अब बात आती है गामा रेस की किसने की थी इन्वेंशन, वो की थी पॉल विलार्ड ने, किसने की थी, पॉल विलार्ड ने 1900 में की थी उन्होंने इसकी इन्वेंशन, किसकी की थी, गामा रेस की। नेक्स्ट चलते हैं, इसरो हैज डेवलप्ड अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम नेम्ड एस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IRNSS, ए इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, NTPC इंस्टॉल्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन। तो इसका करेक्ट आंसर है केरला, डी ऑप्शन। लेकिन जो लार्जेस्ट पावर प्लांट है इंडियाज का, वो है बाढ़ला सोलर पार्क,
क्या है? बाढ़ला सोलर पार्क। ये कहाँ है? यह है लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इन द वर्ल्ड। इसमें लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और ये 14,000 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ है? यह है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 14,000 एकड़ में फैले हुए राजस्थान में लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा सोलर पैनल है, ठीक है। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा पावर पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी एटमोस्फेरिक न्यूट्रिनोस इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन विच स्टेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु। ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DRDO इज डेवलपिंग अ मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन नेम्ड एज। इसका करेक्ट आंसर है रस्तम, ए इसका करेक्ट आंसर। 126, विच कंट्री इज असिस्टिंग इंडिया टू बिल्ड द फर्स्ट बुलेट ट्रेन। इसका करेक्ट आंसर है जापान। क्या है? जापान। 127, साइंटिफिक इक्विपमेंट टू डिटेक्ट लाइज बाय कंडक्टिंग अ लाइज डिटेक्टर टेस्ट इज। इसका करेक्ट आंसर है पॉलीग्राफ, सी इसका करेक्ट आंसर। पहले ऑप्शन में दिया हुआ पायरोमीटर, जो पायरोमीटर है उसे यूज किया जाता है रिमूव टेम्प यूज टू रिमूव टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सीज्मोग्राफ। सीज्मोग्राफ का अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या होता है? ये इंस्ट्रूमेंट होता है, रिप्रोड्यूस करता है साउंड को, ठीक है। और जो लाइट डिटेक्ट करता है वो है पॉलीग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास 128 क्वेश्चन, द प्राइमरी एजेंसी फॉर कैरिंग ओवर R&D इन डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DRDO, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास साइक्लोन 30, विच इज इंडिया साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड एट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 130 नंबर क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन बाय फिंगरप्रिंट्स और रेटिनल स्कैन्स इज। उसे कह रहे हैं बायोमेट्री, बी इज द करेक्ट आंसर। 131 नंबर, 1 TB इज इक्वल टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 TB इज इक्वल टू 1025 GB या फिर 1024 GB। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 132, और जो 1 MB होती है उसी वो किसके इक्वल होती है? वो होती है 1000 KB के, ठीक है, और 1 million byte के। अब नेक्स्ट हमारे पास, विच सेट ऑफ रूल्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ फाइल ओवर इंटरनेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज विच स्टोरेज ऑफ डिवाइस। ये एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, रैम और रोम दोनों प्राइमरी वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड ड्राइव होगी, CD होगी और एटसेट्रा। 134, वट इज यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स। इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन, सी इज द करेक्ट आंसर। 135, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP। IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी इज द करेक्ट आंसर। 136 क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी इज का करेक्ट आंसर। 137 क्वेश्चन हमारे पास, हार्ड डिस्क ड्राइव इन द कंप्यूटर, ये एक नॉन वोलेटाइल है और सेकेंडरी मेमोरी है कंप्यूटर की, सी इज द करेक्ट आंसर। 138 नंबर क्वेश्चन, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू। इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क्स, बी इज द करेक्ट आंसर। URL की फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास 140 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द डाटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी, बी इज द करेक्ट आंसर। जुबिन मेहता इज एसोसिएटेड विद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन,
म्यूजिक, डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास शिव कुमार शर्मा इज अ फेमस प्लेयर ऑफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतूर, डी बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 143 क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2018 अलोंग विद विराट कोहली, तो इसका करेक्ट आंसर है एस मीराबाई चन्नू, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास हु इज नोन एज द फ्लाइंग शेख ऑफ इंडिया, सबसे बेहतर क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए, फ्लाइंग शेख ऑफ इंडिया सबको पता भी होगा, करेक्ट आंसर है इज हमारा मिल्खा सिंह जी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 145, इन 2010 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड डैश एज चेयरमैन ऑफ UIDAI, 2010 में किसे अपॉइंट किया गया था UIDAI के चेयरपर्सन के तौर पर, वो किया गया था नंदन नीलकानी को, ठीक है, और जो पहले चेयरमैन हैं वो कौन है, नंदन नीलकानी, और जो अब इस टाइम है वो कौन है, सौरभ गर्ग, सौरभ गर्ग जी इस टाइम चेयरपर्सन है UIDAI के आधार कार्ड के, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 146, विच बॉलीवुड स्टार हैज रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स फॉर बेस्ट एक्टर, इसका करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन, चार बार मिल चुका है उन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड, ठीक है, नेशनल अवार्ड। नेक्स्ट हमारे पास 147, प्राण कुमार शर्मा वाज एन एमिनेंट, इसका करेक्ट आंसर है कार्टूनिस्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 148, हु इज द फाउंडर CEO एंड चेयरमैन ऑफ amazon.com, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेफ बेजोस, बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे हमारे पास 149 नंबर क्वेश्चन, फूलपति फेस्टिवल ऑफ फूलपति वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, बी इज द करेक्ट आंसर, और इसे दुशेन फेस्टिवल भी बोलते हैं और फूलपति फेस्टिवल भी बोलते हैं। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 150 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, आप पर छोड़ रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन मैं दोबारा बोल देता हूँ, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज नाइंथ एंजल ऑफ इंडिया, जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, जो नाइट एंजल ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, नाइट एंजल ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फटाक्ष से दे देना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दबा दो, शेयर कर दो ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और ऐसी और वीडियो आने वाली हैं यूट्यूब पर इस चैनल पर, आगे भी और इंग्लिश के पेपर, मैथ्स के पेपर, ACC के, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।